अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए जो है एक रिश्ता जो है वो लेकर आया हूँ। ये जो है रिश्ता उन मेरे भाइयों के लिए है, दोस्तों के लिए है, जिनकी उम्र जो है वो 60 साल तक हो, यानी कि 60 ईयर्स तक। तो उन दोस्तों के लिए रिश्ता है मेरे भाइयों के लिए। तो रिश्ते बताने से पहले एक छोटी सी हमारी गुजारिश है कि वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच जाए और हमारा साथ यूं ही बना रहे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के रिश्ते की तरफ। जो ये खातून है जिनका रिश्ता मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, हमारी बहन, इनका नाम है नज़ीरा बीबी। तो नज़ीरा बीबी जो है हमारी बहन, इनकी जो उम्र है, इनकी जो एज है, वो है जनाब 47 ईयर्स, 47 वर्ष इनकी एज है। नज़ीरा बीबी जो है ये एक तलाक़ याफ्ता खातून है। तो बच्चे जो हैं, 3 बच्चे हैं, तीनों बेटियाँ हैं, और 2 बेटियां शादीशुदा हैं और 1 बेटी जो है वो इनके साथ ही रहती है, उनकी अभी शादी नहीं हुई। तो ये जो नज़ीरा बीबी हैं, खूबसूरत हैं जो हैं, इसके अलावा अच्छे ख़ानदान से हैं। इनकी जो हाइट है वो 5 फुट 1 इंच है। इसकी जो तालीम है, एजुकेशन है इनकी, वो जनाब मैट्रिक है। इसके अलावा मुसलमान हैं, फिरका जो है सुन्नी है। तो इस वक्त जो है ये अपनी जो है इनकी बहन है छोटी, इनसे जो है उम्र में, उनके घर पर ये रहती हैं लाहौर सिटी में। तो ये जो नज़ीरा बीबी हैं, ये जो हैं 3 बहनें हैं, इनका भाई जो है वो नहीं है, वालदैन का इंतकाल हो चुका है। तो इसके अलावा जो है अच्छे ख़ानदान से हैं। इनकी जो कास्ट है ये खोखर बरादरी से हैं, मलिक खोखर जो है इनकी कास्ट है, मुसलमान है, अच्छी फैमिली से हैं, महजब घराने से इनका ताल्लुक है। तो वो हमारे दोस्त मर्द हजरात जिनकी उम्र 60 साल तक हो और वो पहली या दूसरी या तीसरी शादी करना चाहते हों, वो इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो वो हमारे दोस्त जो चाहते हैं इस फैमिली से मिलना, शादी के अबाउट इनसे बात करना, वो बराए मेहरबानी अपना मोबाइल नंबर, अपने शहर का नाम और अपनी एज, ये 3 चीज़ें वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम बहुत जल्द उनसे रब्ता कर लेंगे। इसके अलावा बराए मेहरबानी कोशिश किया करें कि अपना मोबाइल नंबर जो है वो लाजमी लिखें, और व्हाट्सएप का नंबर जो है अगर वो जो है लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसी के साथ हम इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।